वक्त सामने आ रही है। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा, मैं जिंदा हूं। पूनम पांडे की तरफ से ये बड़ी खबर देखिए सामने दी जा रही है, मैं जिंदा हूं। पूनम पांडे की तरफ से कहा गया है, मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का बयान सामने आया है। देखिए, पहले खबर आ रही थी पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई है, ये खबर जो है वो आई, और उसके बाद अब पूनम पांडे का बयान सामने आया है जिसमें लिखा गया कि मैं जिंदा हूं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का ही बयान सामने आया है और उन्होंने लिखा, मैं जिंदा हूं। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए उठाया कदम, तो ये पब्लिसिटी स्टंट क्या इसको कहा जाए? लाखों लोगों की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है और इसी की वजह से ये कदम उठाया। मुझे सर्वाइकल कैंसर की बीमारी नहीं है, ये भी पूनम पांडे की तरफ से कहा गया। और मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का ये बयान सामने आया, उन्होंने लिखा, मैं जिंदा हूं और सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए कदम उठाया, मुझे सर्वाइकल कैंसर नहीं है, ये बयान दिया गया है। मुंबई से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने का पूनम पांडे का ये अपना ही नायाब तरीका, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट में मेरा पोस्ट सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए था और अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर पूनम पांडे ने इस तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाई है। तो आप इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बोल सकते हैं और या फिर जागरूकता, ये आप तय करिए। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए कदम उठाने की बात कहकर पूनम पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा, मैं जिंदा हूं। लाखों लोगों की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत होती है और सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाया गया है। मेरा पोस्ट सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए था, ये उनका कहना है। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का यह बयान सामने आया। तो देखिए, कई लोग पब्लिसिटी स्टंट भी इसको बता रहे हैं और देखिए, दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, अब ये खबर देखिए सामने आ रही है, कहा जा रहा है सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए ये कदम उठाया गया है, पब्लिसिटी स्टंट इसको कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग इसको सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता का एक तरीका, एक नायाब तरीका जो पूनम पांडे ने अपनाया वो सामने आ रहा है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर अब सामने आ रही है स्वाति? देखिए, अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे की बात करें शांतनु, तो कल ही जो है उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था कि उनका निधन सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो गया है, लेकिन आज इंस्टाग्राम पर वीडियो जो है वो जारी किया गया है जिसमें पूनम पांडे खुद सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से उनके दोस्तों का भी बयान सामने आ रहा था कि उस सर्वाइकल कैंसर को लेकर वो जागरूकता, सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किया गया है वो पहले दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers,
cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. तो देखिए, ये वीडियो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर पूनम पांडे की तरफ से। मौत की खबर के बीच पूनम पांडे का ये बयान आपने सुना, और सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए उन्होंने कहा कि यह कदम उठाया गया। स्वाति पाठक हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। स्वाति, ये वीडियो पोस्ट किया गया है। क्योंकि कल शांतनु सनसनी फैल गई थी इस खबर के बाद। साथ ही देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया है और इसको लेकर अब कई तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो राय है लोगों की, वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग हैरान हो गए थे कि जो पूनम पांडे तीन दिनों के पहले जो है वो फिट नजर आ रही थी, कार्यक्रम में नजर आई थी, उसके बाद अचानक निधन सर्वाइकल कैंसर से कैसे हो गया, जबकि आज तक पूनम पांडे की तरफ से कभी नहीं कहा गया या उनकी टीम की तरफ से कहा गया कि वो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही है। आज अचानक इंस्टाग्राम पोस्ट पर ही वीडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि वो जिंदा है और वो कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया गया था। जबकि कई दोस्त पूनम पांडे के थे जो कल से कह रहे थे कि पूनम पांडे जिंदा है, क्योंकि कानपुर की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और वहां पर भी जानकारी नहीं थी कि पूनम पांडे का निधन हो गया है। अब खुद पूनम पांडे सामने आई है, लेकिन कई लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस तरह से पब्लिसिटी स्टंट पूनम पांडे की तरफ से क्यों किया गया, क्यों मजाक उड़ाया गया कैंसर का, ये भी लोग जो है वो सवाल उठा रहे। लेकिन पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जिंदा है और वो कैंसर को लेकर जागरूकता फैला रही थी, इसी वजह से ये पब्लिसिटी स्टंट किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जानकारी के लिए। हाय एवरीवन, इट्स पूनम। आई एम सॉरी आई हैव कॉज्ड दिस टियर एंड I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly. Hi everyone, it's Poonam. तो देखिए, पूनम पांडे का ये वीडियो सामने आया है। जयप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए